बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। सच साहिब, यदि आपने श्लोक टीवी 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। एक समय एक पुल्लो नाम की भगतनी थी, आसपास उसकी बहुत चर्चा होगी और राजा भी उस पुल्लो के पास जाने लग गया, उसका भगत बन गया। बांदियों के माध्यम से रानियों को पता चला कि एक पुल्लो नाम की बहुत ही अच्छी भगतनी है, आसपास बहुत उसकी चर्चा है, राजा भी वहां जाता है। अब उन्होंने सोचा, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से सोचती हैं जिसकी जिसी बुद्धि है, रानियों ने सोचा भी हमसे सुंदर ऐसी कौन औरत होगी जहां राजा वहां जाने लग गया। रानियों ने कहा कि अपने राजा से कि हम उस पुल्लो को देखना चाहते हैं। राजा ने कहा कि उनको यहीं बुला लेते हैं, यहाँ आ जाएंगी वो। अब राजा ने प्रार्थना की और सत्संग के लिए निमंत्रण दे दिया। वह पुल्लो माई आ गई। अब उसका तो जैसे एक चोला पहन रही, अपना सिंपल से कपड़े धारण कर रखी, जैसे पहले मेले को चले से होया करते थे, साधु संत भाव से रह रही थी और आगे आत्ममाला ले रही अपना जपती हुई। उधर से रानियां ने, तीन चार रानी थी, उन्होंने अच्छे सारे गहने पर रखे, खूब सुंदर कपड़े डाल रखे, खूब सज धज के सारे श्रृंगार करें बैठी, नो दिखाने के लिए देखती हैं वो कौन सी सुंदर है, वो सुंदर है काम है, जिसकी बुद्धि जहाँ काम करती है वह उसी कीचड़ में रहता है। अब जब वो आई बेचारी, मनमान दो दिन स्नान करे हो गया, राजस्थान की बात है, आत्ममाला ले रही आ रही है, वह देख कर नो हाथ पीटे हैं, ए यह है वह पुल्लो, वो खूब आंसर दांदरे काट रहे हैं और तेरे की बता, हम तो पता नहीं, मैं सोचा देख के रख कैसी सुंदर होगी, सारे चर्चा चल रही। तब पुल्लो क्या बोली, जो आभूषण पहन रखा था, अपनी देसी भाषा में इसको गहना बोलते हैं, गहना। पुल्लो ने अपनी लैंग्वेज में कहा कि गहना बाधा इस तन की शोभा, और यू तन काचो बांडो, और बिना भक्ति कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो। माइया की लैंग्वेज ना, माइये जाने के ऊपर समझाई जाया करेंगे। तो उसने उनती सुना दिया कि तुम ये गहना पैर के आभूषण पैर के फूली समाओ हो, और यो तन काचो भांडो, यो काचा बर्तन है, ना जाने किस कारण से खत्म हो जाएगा, और बिना भक्ति कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो, के भक्ति कर लो नाला को, कहाँ बकवादा बढ़ रही हो। ये संत लैंग्वेज में शरीर को भांडा कहते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने वही शब्द प्रयोग किया, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए आपको समझाया। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कह रहे हैं गरीबदास जी, बता रहे हैं परमेश्वर की महिमा और इस काल की स्थिति। एक लाख प्रतिदिन ये काल इस दुर्गा के माध्यम से, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से 1,00,000 जीवों को खाता है और इन्हीं से जन्मवाता है। जैसे रजगुण ब्रह्मा जी के उस गुण से हम प्रेरित होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी के सतोगुण के कारण हम एक दूसरे में बंधे रहते हैं, जकड़े रहते हैं, मोहित रहते हैं, इसको सतीथि बोलते हैं, और हमारे कर्म अनुसार ये हमारे संस्कार भी विष्णु जी देते हैं, और साथ में तमोगुण से भगवान शिव जी से हमारा संहार करा के ये 1,00,000 प्रतिदिन खाता है। उसके विषय में जानकारी दी है कि लाख ग्रास से, ग्रास माने खाना, लाख ग्रास से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती है, और 1,25,000 घड़िए नित भांडे, 1,25,000 नए शरीर मनुष्य के ये भांडे बर्तन प्रतिदिन 1,25,000 यानी 25% एक्स्ट्रा उत्पन्न करता है। जैसे 1,00,000 खाए तो 1,25,000 प्रतिदिन जन्म देता है। 1,25,000 घड़िए नित भांडे, भांडे माने बर्तन, जैसे कुम्हार भांडे बनाता, पंडे घड़े बनाता है, और अंसा उत्पत्ति परले डंडे, कहते इन जीवों को जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित
ये काल, दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर कर रहे हैं, अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। ये तीनों चेला बटपारी सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, खोखा पुर में जीव बुलाए, सोपन बिस्त बैकुंठ बनाए। ये अरहट का कुआ लोई यागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। अरहट डोर कहते हैं, रहट होता है कि कुएं के अंदर एक कुआ खोद दिया जाता था सिंचाई के लिए, उसके ऊपर एक चैन डाल दी जाती थी, एक पुली बनाई जाती थी, पुली की आगे एक लकड़ की लंबी लाठ ले जा करके उसमें कोल्हू की तरह बैल जोत दिए जाते थे, बैल उस पुली को घुमाते थे और चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड होती थी। ये देखिएगा थोड़ा सा सीन दिखाते हैं, वो उसको अरहट कहते थे। ये अरहट का एक चित्र है, जैसे ये कुआ है नीचे, ये इसकी एक एलिवेशन दिखा रखी है, यहाँ तक इसमें जल है और ये एक पुली है, पुली के ऊपर एक चैन लटका रखी है, इसका बाल्टी वेल्ड कर रखी है, तो नीचे से पानी भरकर आता है, ऊपर यहाँ खाली हो जाता है, इधर सिंचाई के लिए जाता है। तो कहने का भाव यह है कि नीचे शुभ अशुभ कर्म करते हैं प्राणी, ऊपर स्वर्ग में और नरक में खाली करके फिर खाली बाल्टी आती है, फिर भरते हैं, फिर खाली होते हैं, फिर भरते हैं, फिर खाली होते हैं। ये अरहट का कुआ लोई यागल बंजा है सब कोई, यानी जन्म मृत्यु रूपी ये अरहट है, यहाँ से शुभ अशुभ इकट्ठे किए स्वर्ग में चले गए, वहाँ खाली किए स्वर्ग में पुण्य नरक में पाप, फिर 84 लाख योनियों में अलग से रह गए। ये अरहट का कुआ लोई यागल बंजा है सब कोई, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जन्म मृत्यु इस अरहट के कुएं में बंधे हुए हैं। कीड़ी कुंदर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा, होए होए अरब अलील इंद्र है भाई, अरहट डोर बंधे सबाई, शेष महेश गणेशवरता ही, इस जन्म मृत्यु की डोरी ते बंधे सब आही, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हरहट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये भी जन्म मरण में निश्चय आवे। परमात्मा बंदी छोड़ इसलिए हम याद दिलाते हैं कि जो साधना हम बताते हैं उसको कीजिए, तुम्हारा जन्म और मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं सतलोक में तुम्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।